देश की बड़ी पेट्रोलियम कंपनी BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेचने के लिए सरकार ने बोलियां मंगाई हैं। सरकार कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। मौजूदा समय में सरकार की कंपनी में 52.98% की हिस्सेदारी है। आपको बता दें, BPCL के पास 15,177 पेट्रोल पंप हैं, 6,011 LPG डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियां हैं, साथ ही BPCL के पास 51 पेट्रोलियम गैस यानी LPG स्टेशन भी हैं। 20 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BPCL के निजीकरण का फैसला किया था। इसके तहत BPCL में सरकार अपनी पूरी 52.98% की हिस्सेदारी और मैनेजमेंट कंट्रोल बेचना चाहती है। BPCL का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय 1.03 लाख करोड़ रुपए के करीब है। इस प्राइस के आधार पर सरकार की हिस्सेदारी 54,000 करोड़ रुपए के करीब है, यानी BPCL में हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को 54,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। DIPM ने बोली दस्तावेज में कहा कि BPCL की स्ट्रेटेजिक बिक्री के लिए 2 मई को रुचि पत्र जारी किया गया था। इसमें कहा गया, भारत सरकार BPCL में अपने 114.91 करोड़ इक्विटी शेयर यानी BPCL की इक्विटी शेयर पूंजी में से कुल 52.98% की साझेदारी स्ट्रेटेजिक निवेश के साथ ही मैनेजमेंट कंट्रोल को भी देखना चाहती है।